दोस्तों, मोनेटाइजेशन के बाद आज मैं पहली बार टॉपिक पे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था दोस्तों कि मोनेटाइजेशन के बाद, मैंने बोला भी था, शायद एक वीडियो आया था, थैंकिंग वीडियो, उसमें मैंने आपको ये बोला था कि मैं वीडियो क्वालिटी थोड़ा अच्छा करूँगा, ऑडियो भी और वीडियो दोनों, और उस पर मैं पूरे कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा हो। और अब मैं जो वीडियोज़ अपलोड करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक होगा। जैसे अब ये सीज़न वन है, और सीज़न वन की मेन खासियत है दोस्तों कि जो जेई मेन अप्रैल में होने वाला है या जो नीट एग्ज़ाम मई में होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए उन सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सारे टॉपिक्स के वीडियोस जल्दी जल्दी, वैसे मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले तक वो सारे टॉपिक्स के वीडियो अपलोड कर दूँ कुछ क्वेश्चंस के साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है नीट और जेई के लिए, ताकि आपको जेई मेन अप्रैल और नीट मई में जो एग्ज़ाम हो रहा है उस पर बहुत फ़ायदा हो जाए। तो दोस्तों, पूरा कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छा करने के लिए, और तो इस कोशिश को आप लोग स्प्रेड करें। अगर आप सबको अच्छा लगेगा वीडियोस तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और लोगों से बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं प्रयास करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला दूँ इन कम टाइम में। और जो वीडियोस में क्वेश्चंस डालूँगा ध्यान रहे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप करके बहुत अच्छा फील करेंगे, या कह सकते हैं जिन्हें करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको आएगा भी, तो बहुत फ़ायदा होगा। कम से कम अगर, जैसे हमने कहा टॉपिक का बात करें दोस्तों, तो सबको साथ पता होगा कि मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले अगर साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया और ज़्यादा नंबर में भी पूछा गया कह सकते हैं हम लोग। तो कोई भी, जैसे हमने कहा कोई भी मॉडर्न फिजिक्स का अगर हम लोग बात करें, कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक से, हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैं आज सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग फोटोन का बात करते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फोटोन के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है। हम डायरेक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करने वाले हैं और उस पर किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले डिस्कशन कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर होता क्या है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना फोटो। फोटो एक तरह से मतलब होता है लाइट, है ना। मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की बात करने जा रहे हैं, मतलब लाइट की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात करेंगे। आखिर लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होता है? तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब हम किसी मेटल सरफेस पर, कोई भी मेटल सरफेस है, उस पर लाइट गिराते हैं, मेटल सरफेस पे लाइट गिराते हैं दोस्तों, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। लाइट गिराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। डेफिनेशन बहुत सिंपल सा है कि जब भी कभी हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी का या सूटेबल वेवलेंथ का लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिराते हैं तो मेटल सरफेस से फोटो या इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और जिनकी वजह से जो करंट फ्लो होता है उस करंट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, उसे बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करना होगा। देखिए डेफिनेशन दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े डेफिनेशन लिखने का तो आप लोग पॉज करके धीरे धीरे सुन के डेफिनेशन कॉपी में नोट कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और सूटेबल वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस, दिस इफेक्ट नोन एज या फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, है ना, ड्यू टू द इंसिडेंट ऑफ द सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स, एंड द इलेक्ट्रिक करेंट ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात ये उठता कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर क्यों आते हैं और उसके लिए सूटेबल फ्रीक्वेंसी का ज़रूरत क्यों है। तो जैसा कि आप सबने ये बात पढ़ा होगा
कि कोई भी मेटल या कोई भी ध्यान रहे मेटेलिक अगर बॉडी है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं और ये टेम्परेचर की वजह से कौन सा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। जैसा हम सब बच्चा जानता है कि हाँ सर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं वो टेम्परेचर की वजह से। लेकिन हम इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर बात करें कि बाहर आ जाए तो बाहर नहीं आते हैं। देखिए बेसिकली सरफेस इनको बाइंड ऑफ करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, इन्हें बाहर नहीं आने देता, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं आने देता सरफेस, क्योंकि सरफेस इन्हें बाइंड अप करके रखा हुआ है। अब बताइए अगर हम इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वो बाइंडिंग क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। जब वो बाइंडिंग ब्रेक होगा ना तब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। अच्छा इस कहानी को समझने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ जाएगा दोस्तों ना तो पूरा का पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और वो कहानी बहुत मुश्किल नहीं है, वो सिंपल सा कहानी है, आप सुनिए, अगर आप समझ में आ गया आपको तो पूरा हिस्ट्री आपका कह सकते हैं ना पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक एकदम जो है वो क्लियर हो जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि आखिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं। वैसे देखिए एक्चुअल बात करें ये कि भाई बाइंड है, ये बाइंड है तो निकलने के लिए एनर्जी चाहिए और होता क्या है फोटॉन्स, ध्यान रहे लाइट के बारे में बोलते हैं, लाइट अगर पार्टिकल नेचर का है तो ऊपर से क्या आते हैं, देखिए ये जो हमने गिराया तो क्या गिरता है फोटॉन्स। फोटॉन बेसिकली एनर्जी का पैकेट होता है और वो पैकेट इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है। ध्यान रहे किसी इलेक्ट्रॉन से अगर कोई फोटॉन टकराएगा तो हो सकता है कि फोटॉन अपना पूरा एनर्जी उसको दे दे, हो सकता है पूरा एनर्जी ना दे। जो एनर्जी इसको मिलता है उसी एनर्जी को लेके वो बाहर निकलना चाहता है और अगर वो बाइंडिंग तोड़ देगा, सरफेस का बाइंडिंग टूट जाता है उस एनर्जी की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकता है अन्यथा बाहर नहीं आएगा। तो चलिए हम इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा इसका एक स्टोरी समझते हैं। स्टोरी क्या है, चलिए एज्यूम करिए कि मेरा पूरा का पूरा क्लास, जैसे आप सब बैठे हो क्लास में, क्लास जो है वो एक जेल में बंद है और जेल के गेट पर एक रोबोट है, गेट पर है और कोई दरवाजा नहीं, एक ही दरवाजा है, जेल के गेट पर एक रोबोट है और उस रोबोट को ये समझा दिया गया है कि इस गेट से बाहर जाएगा जो भी जाएगा उसे एक फीस वसूलनी है। देखिए ये जो फीस है वही एनर्जी है, वही रिक्वायर्ड एनर्जी, जो एनर्जी चाहिए बाहर जाने के लिए, मतलब हर सरफेस बाइंड किया हुआ है, बाहर जाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी को हम यहाँ पर फीस, मतलब मान लो कैसे अमाउंट किया 10,000 रुपया देगा तभी बाहर जाएगा, नहीं तो नहीं बाहर जाएगा। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अंदर बैठे हैं, वो अंदर तो घूम सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन अंदर तो चल सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब बाहर नहीं जा सकते हैं, बाइंड है तो अंदर फ्रीडम है लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर जाने के लिए एक फीस देनी पड़ेगी तब जाके हम बाहर, बाहर जाने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड है तब जाके वो क्या होगा, बाहर जाएगा। तो ये फीस आएगा कहाँ से, तो हमने कहा कि चलिए हमारे दोस्त यार मित्र ऊपर चारों तरफ जो है बाउंड्री है ऊपर और बड़ा बड़ा दीवार है, ऊपर छत नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं पैसे फेंकेंगे, हमारे रिलेटिव्स पैसे, जैसे मैंने कहा ये जो फोटॉन्स गिर रहे हैं ना फोटॉन्स, वो आप समझिए कि जो फोटॉन्स है वो एक तरह से पैसा है, ऊपर से पैसा आ रहा है, वो पैकेट पैकेट भेज रहा, लोगों ने पैकेट भेजना शुरू किया। जैसे मान लो अगर हमने कहा 10,000 से छोटा पैकेट्स अगर गिरेगा तो क्या कोई भी कैदी जेल से बाहर जा पाएगा, एक रूल और सुन लीजिए, एक से ज़्यादा पैकेट नहीं पकड़ना है आपको, एक से ज़्यादा पैकेट नहीं, आप एक पैकेट पकड़ लेंगे तो कोशिश करेंगे बाहर जाने का और अगर आप कोशिश में नाकाम रहेंगे तो वो पैसा आपका व्यर्थ हो जाएगा, फिर आपको दूसरा पैकेट पकड़ने का मौका मिलेगा। मैंने कहा ना एक पैकेट अगर आपने पकड़ लिया तो आप पहले कोशिश करेंगे बाहर जाने का, दूसरा पैकेट इंतज़ार नहीं कर सकते, ये रूल है, ये आपको सबको मानना पड़ेगा। अगर ऐसा रूल है तो ये बताइए पैकेट्स आया है लोगों ने पकड़ा, अगर पैकेट 10,000 से कम का है, 10,000 से कम का पैकेट है तो क्या कोई भी कैदी बाहर जा सकता है, जैसे जाएगा रोबोट के पास, रोबोट तो भाई मानेगा नहीं क्योंकि 10,000 से कुछ पैसा भी कम होगा तब भी वो बाहर नहीं जाने देगा, तो बाहर नहीं जाने देगा और सारा पैसा रख लेगा, सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, आप फिर क्या करेंगे, दूसरे पैकेट लेना है। तो अगर 10,000 से छोटा पैकेट्स बाहर से आने लगे
तो ध्यान रहे कि कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। एक और रूल है, जब आप पैसा पकड़ेंगे और आप गेट तक कब भागेंगे, लोग छीना झपटी जरूर करेंगे, छीनेंगे पैसा आपसे। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ही फोटोन इसने अब्जॉर्ब किया, ये बाहर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉनों के साथ कोलिजन होता है, जैसे ही कोलिजन होगा एनर्जी लॉस हो जाता है, हो सकता है इसको सरफेस तक पहुँचते पहुँचते इसकी एनर्जी ज़्यादा लॉस हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगी तो क्या ये बाहर निकल पाएगा? आंसर अभी नहीं, फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। ये बाहर निकलने के लिए बाउंड्री पर एक मिनिमम फीस देना होता है, जिसका नाम होता है क्या, वर्क फंक्शन, जिसका नाम होता है वर्क फंक्शन, जिसे हम फाइव से देना, इतनी एनर्जी तो देना ही पड़ेगा हर इलेक्ट्रॉनों को बाहर जाने के लिए। वैसे ही 10,000 तो देना ही पड़ेगा बाहर जाने के लिए, लेकिन आप 10,000 पैकेट पकड़ लें, जरूर नहीं कि आपको गेट तक जाते जाते आपके पास 10,000 बचेगा। तो पहली बात तो सुनिए, 10,000 से कम का पैकेट आएगा तो कोई बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यही बोलते हैं ना, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब एक थ्रेशोल्ड लगा रखा हमने, इसका मतलब अगर ये वर्क फंक्शन से कम एनर्जी का फोटॉन गिराया जाए, वर्क फंक्शन से कम एनर्जी का फोटॉन गिराया जाए, तो क्या एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा? आंसर आएगा नहीं। इसका मतलब है बाहर जाने के लिए फोटॉन की एनर्जी जरूरी है कि ज़्यादा होना चाहिए, किससे वर्क फंक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जा ही नहीं सकता है। एकदम वैसे हम लोगों के केस में, जब हम कैदी हैं उनके केस में भी एग्जैक्टली यही कहानी चल रहा है। पैकेट्स आया, अगर मान ले चले, अब हमने कहा कि पैकेट्स आया, लोग पकड़े, भागने लगे, छीनना लगे, स्टार्ट किया, वहाँ जाते थे कम है पैसे, नहीं बाहर जा पाएंगे। वैसे लाइव फोटॉन्स गिराया और ये लोग इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स को अब्जॉर्ब किए और लेके जाने लगे बाहर, और कोलिजन हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, बाहर नहीं जा पाएंगे। तो इससे ये बात क्लियर हो गया कि जितने फोटॉन गिरते हैं उतने इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते हैं, जितने फोटॉन गिरते हैं उतने इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते हैं। ये बात तो एकदम क्लियर हो गया। मतलब हो सकता है कि 100 फोटॉन गिरे और एक भी इलेक्ट्रॉन ना निकले, ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसा है, हो सकता है कि 100 फोटॉन गिरे, 2-4 लोग निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये बात तो एकदम क्लियर हो गया सबको। तो चलिए हम लोग अपने केस में बात करते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो हमने कहा पैकेट्स बाहर से आ रहे हैं, हमने पैसे पकड़े और भागना स्टार्ट किया। 10,000 से नीचे का है, ऑब्वियस बात है कोई बाहर नहीं जा पाएगा, लेकिन 10,000 से ऊपर का है तो चांसेस है बाहर जाने के। अच्छा 10,000 से ऊपर है, हमने कहा कि गेट से बहुत दूर बच्चा है, उसने पकड़ लिया 15,000, क्या वो बाहर निकल पाएगा? मुश्किल है, क्योंकि जैसे वो भागना स्टार्ट करेगा गेट की तरफ, लोग पैसा छीनना स्टार्ट करेंगे और गेट तक पहुँचते पहुँचते उसके पास पैसे नहीं बचेंगे उतने कि वो बाहर निकल सके। हाँ लेकिन वो जो गेट पर ही खड़ा है, उसने अगर 15,000 का पैकेट पकड़ा ना, वो तुरंत बाहर निकलेगा और रोबोट क्या करेगा, ठीक 10,000 अपने पास रखेगा और बाकी पैसा आपको रिटर्न कर देगा। बाकी पैसा रिटर्न होने से क्या फ़ायदा हुआ भाई? वो पैसा जो आपके पास मिला उससे आप मस्ती करेंगे ना, उसको हम यहाँ पे नाम देंगे काइनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब अगर किसी फोटॉन, किसी इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा एनर्जी से वो बाउंड्री पर पहुँचता है या सरफेस पहुँचता है, तो सरफेस पर जो फीस है उसको फाई, ये पैसा देने के बाद उसके पास जो एनर्जी बचेगा वो एनर्जी उसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है, सरफेस तक पहुंचने में। तो एकदम ऐसी कहानी चल रहा है। अब देखिए आप एकदम सोच लीजिए कि बहुत सारे पैकेट्स आए, 100 पैकेट गिरे, ऑब्वियस ही बात है 100 लोग नहीं निकल पाएंगे, 2-4 लोग निकलेंगे। किसी के पास काइनेटिक एनर्जी कितना है ये बात हम बता सकते हैं, वहाँ पर पहुँचने पर ही पता चलेगा। वो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, जिसका एक भी पैसा ना छीना जाए। इसका मतलब सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उसका होगा जिसका एक भी कोलिजन ना हो, सरफेस पर ही बैठा हुआ है, समझिए जैसे मिला तुरंत निकल गया, उसको सबसे उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। सबसे कम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। अभी ऐसी बात है भाई, पैसा मान लो 15,000 पकड़ा, पहुँचते पहुँचते सिर्फ ठीक 10,000 बचा उसके पास, 10,000 बचा तो क्या करेगा बोलिए, रोबोट को पकड़ाएगा 10,000 और बाहर निकल जाएगा, लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। मतलब अगर आप इस कहानी को अच्छे से सोचेंगे कि हम लोग ऐसे कैद हैं, बाहर जाने का इतना फीस देना है और इलेक्ट्रॉन बाहर, जैसे हमने कहा ना इंसान बाहर निकल रहा है वैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, एकदम वो कहानी मानना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को भी फाउंडेशन है कि भाई देखिए एक से ज़्यादा प्रोटॉन एक बार में नहीं लेगा ये, हाँ एनर्जी रद्द होने के बाद फिर ले सकता है, ये इसके साथ कंडीशन है। दूसरा कि जब ये चलेगा तो इसके एनर्जी को लोग छीनते रहेंगे जब तक कि वो सरफेस तक नहीं पहुँच जाए या बाहर ना निकल जाए, क्योंकि कोलिजन होगा, कोलिजन में एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक आइडिया हमें लग गया है तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आखिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन एमिशन कैसे हो रहा है और आइंस्टीन साहब ने क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिया है इसके बारे में ना। बेसिकली ध्यान रहे कि आइंस्टीन साहब ने ही एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को।
आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन में बात यह है कि देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, लेकिन हाँ ये इतने फ्री भी नहीं है कि सरफेस से बाहर जा सके। इसके हमने कहा फोटोन गिरा, एक फोटोन ये है एक फोटोन ये है जिसकी एनर्जी एच म्यू है। तो ध्यान रहे कि एक मिनिमम एनर्जी जरूर चाहिए होता है इसे बाहर निकालने के लिए। तो हमने कहा कि सरफेस जितना एनर्जी से बाउंड किया है लेट दैट एनर्जी इज फाइव, इससे कम एनर्जी अगर आप गिराएंगे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा एनर्जी गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। अब आप बताइए अगर ये वाला एनर्जी इससे ज़्यादा है, अगर ये वाला एनर्जी इससे क्या है ज़्यादा है, तो होगा क्या? जैसे इस पर गिरा इस इलेक्ट्रॉन ने मान लीजिए कि पूरा एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया। देखिए ये में अब्जॉर्ब होल एनर्जी ऑफ द फोटॉन, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली, हमने कहा अगर मान लिया पूरा एनर्जी अब्जॉर्ब किया तो इस इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली, बोलिए एच न्यू। इस वाले ने कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की, एच न्यू। बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी लॉस करेगा, माइनस फाइव, इतना एनर्जी का लॉस हो गया बाहर निकलने के लिए, एनर्जी लॉस ये हो गया। उसके बाद बताइए अगर कोई कोलिजन नहीं किया तब उसके बाद जो एनर्जी बचा उसके पास दैट इज काइनेटिक एनर्जी के ई, जैसे मैंने कहा वन है तो वन। अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी बात, इसने एनर्जी तो अब्जॉर्ब किया कितना एच न्यू, ये देखिए ये पहला इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वन के लिए और हम इस ये टू के लिए बात कर रहे हैं। अब बताइए बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ेगा तो कोलिजन भी हो सकता है भाई, कोलिजन होगा, मान लो कोलिजन में एनर्जी लॉस हुआ, काइनेटिक एनर्जी लॉस के ही लॉस। उसके बाद जब सरफेस पहुंचेगा तो फिर और लॉस देना पड़ेगा उसको, ये बाउंड्री फीस देनी पड़ेगी, बाइंडिंग तोड़ना पड़ेगा सरफेस का। उसके बाद जो बचेगा ये उसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब बताइए काइनेटिक एनर्जी क्या किसी भी केस में इस वैल्यू से ज़्यादा हो सकता है क्या? आंसर रहेगा बिल्कुल नहीं। तो सबसे ज़्यादा ये होगा और सबसे कम क्या हो सकता है कि ये लॉस मिल के इसके बराबर हो जाए तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस पूरे रिजल्ट से ये बात मिला कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो वैरी करता है जीरो से लेके कहाँ तक, एच न्यू माइनस फाइव तक वैरी करता है। और अगर हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें दोस्तों तो उसे हम लोग बोलेंगे एच न्यू माइनस फाइव, ये होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज़्यादा। और इसी को हम आइंस्टाइन रिलेशन बोलते हैं, आइंस्टाइन रिलेशन या आइंस्टाइन इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन। ध्यान रहे मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं, ध्यान रहे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रहे बच्चे कभी कभी इस फार्मूले को इस तरह याद करते हैं, लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, लेकिन नहीं लिखना है, ध्यान रहे ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव तो लिखना ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखना है बोलिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू लिखना है एच न्यू माइनस फाइव, ये बहुत ज़रूरी है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी फार्मूले पे पूछे जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम आप बताए आइंस्टीन साहब ने अपने थ्योरी में क्या क्या बोला था, मैं आपको डिस्कस करके बता रहा हूँ। देखिए आइंस्टीन इक्वेशन तो मैंने आपके सामने निकाल कर रखा, अब आइंस्टीन का बात सुनिए क्या कहा उन्होंने। उनका कहना था कि पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हो पाएगा, मतलब पार्टिकल नेचर का मतलब अगर हम लाइट को फोटॉन्स के फॉर्म में ले आते हैं, फोटॉन्स आता है और फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराता है और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है तब वो निकलता है, ये बात उनका कहना था, ये होता है ये मानिए। तो और उसको उन्होंने ड्राइव भी करके दिखाया, मैं बताऊंगा कि उसका प्रूफ करने का क्या तरीका है वो समझेंगे हम लोग। तो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट पहला बात तो उन्होंने कहा, दूसरा बात कहा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली एक फोटॉन अब्जॉर्ब करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, नहीं निकल पाता है तो सारा एनर्जी लॉस, फिर रिफ्रेश होने के बाद फिर दूसरा फोटॉन अब्जॉर्ब कर सकता है वो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक ही फोटॉन अब्जॉर्ब करेगा, ये भी कहना है आइंस्टीन साहब का। नेक्स्ट पॉइंट है कि फोटॉन के गिरने या लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में जो टाइम इलैप्स है
वो जीरो है, मतलब ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे लाइट गिरेगा तुरंत क्या होगा, फोटॉन्स निकल जाएंगे, तुरंत फोटॉन्स निकल जाएंगे। लाइट गिरा फोटॉन्स निकल गए, सॉरी फोटो इलेक्ट्रॉन्स, लाइट गिरा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, लाइट गिरा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब कोई भी टाइम इलैप्स नहीं होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट उनका ये कहना था कि जो लाइट की इंटेंसिटी होती है ना, इंटेंसिटी देखिए दो चीज़ों, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक फ्रीक्वेंसी है एक इंटेंसिटी। उनका होता है जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बात है, फ्रीक्वेंसी बात है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और उनका ये भी कहना था जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, वो सारे इलेक्ट्रॉनों का सेम नहीं होता है, वो काइनेटिक एनर्जी वैरी करता है, जैसा कि हमें उन्होंने दिखाया कि वैरी करता है। कैसे वैरी करता है, जीरो से लेके कहाँ तक, एच न्यू माइनस फाइव, जीरो से मैक्सिमम तक वैरी करता है काइनेटिक एनर्जी, क्या करता है जीरो से मैक्सिमम तक वैरी करता है। ये कहना है किसका, आइंस्टीन साहब का। तो आइंस्टीन साहब ने कुछ बातें बताई जिससे ये बात ध्यान रहे, या आइंस्टीन का कहना, आइंस्टीन साहब ने ही ये इफेक्ट दिखा के ही लोगों को समझाया कि लाइट का नेचर जो है वो कैसा नेचर है, क्वांटम नेचर है या पार्टिकल नेचर है। आइंस्टीन साहब ने ये एक्सप्लेन करके ही बताया। अब ये बताया कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होगा तभी तो। चलिए लोगों ने कहा कि अच्छा वेव थ्योरी से क्या दिक्कत है, तो वेव थ्योरी में क्या देखा गया, ये वेव थ्योरी कहता है कि सोर्स से लाइट कंटिन्यूअस निकलता है और सरफेस पर भी कंटिन्यूअसली गिरता है। अगर बताए लाइट कंटिन्यूअसली गिरने लगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंटिन्यूअस एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकलने में उसको थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्यों लगेगा टाइम, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी आ रहा तो इकट्ठा करेगा, जब तक एनर्जी वर्क फंक्शन से बियॉन्ड या बड़ा नहीं हो जाता है तब तक वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, इसका मतलब इट टेक्स टाइम। लेकिन प्रैक्टिकल में देखा गया ऐसा होता नहीं है। अगर लाइट गिराने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत नहीं निकले तो आप 500 साल गिराते रहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। तो ये बात पता चल गया कि जो वेव नेचर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है किसे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर नहीं एक्सप्लेन। एक और रीजन था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना एक्सप्लेन करने का, एक ये रीजन था कि अगर कंटिन्यूअस एनर्जी गिरेगा तो कोई भी वेवलेंथ या कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराया जाए, धीरे 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 इलेक्ट्रॉन एनर्जी इकट्ठा करेगा, एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब उसके पास इतना एनर्जी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सरफेस से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा हम लोगों ने देखा है प्रैक्टिकल में। क्या देखा होगा, जैसे लाइट गिरेगा विद इन नो टाइम इलेक्ट्रॉन को निकलना है। और ये भी देखा है कि अगर थ्रेशोल्ड से कम एनर्जी का लाइट गिराया जाए या वर्क फंक्शन से कम एनर्जी का लाइट गिराया जाए तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, जिससे नीचे फ्रीक्वेंसी अगर लाइट गिराया जाए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। जबकि वेव थ्योरी कहता नहीं कोई भी लाइट गिराइए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वेव थ्योरी ये भी कहता है कि इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि वेव थ्योरी ध्यान रहे, वेव थ्योरी इंटेंसिटी को एनर्जी के साथ कोरिलेट करता है। यहाँ पर हम लोग फोटॉन्स की बात करते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी को एनर्जी से रिलेट करते हैं। आई थिंक जो समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए अच्छे दो तीन बातें और अभी आया नया नया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये लोग क्या होते हैं। बहुत सिंपल सा बात है, एक लाइन में समझ लेते हैं। देखिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ऊपर अगर है आपका लाइट का फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिससे अगर ऊपर है आपका लाइट का फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और उससे अगर नीचे है लाइट का फ्रीक्वेंसी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। मिनिमम धारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बात करते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का। एक मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, इसके ऊपर जाएंगे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन इससे नीचे आएंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दैट वेवलेंथ कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और मिनिमम एनर्जी होती है फोटोन की, मिनिमम एनर्जी जो फोटो जो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता है, उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, जो किसके बराबर होना चाहिए, हमेशा वर्क फंक्शन के बराबर। मतलब न्यूमेरिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू होना चाहिए क्या, वर्क फंक्शन। न्यूमेरिकली थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है दोस्तों, वर्क फंक्शन के बराबर होता है। तो देखिए मैंने बताया कि ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है,
इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और आप लोग देख सकते हैं, अगर आप कभी भी बुक खोलें तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल, जैसे मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करा के भी दिखाता हूँ आपको। देखिए इस पर हम लोग सिंपल सा न्यूमेरिकल देखते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है आइंस्टीन रिलेशन, उसमें काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम ही लिखते हैं। क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अगर कभी पूछे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको क्या करना है, आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना है जीरो से मैक्सिमम तक वैरी करेगा। लेकिन अगर पूछे व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, देन वी कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एकदम क्लियर है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, हम लोग मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पर एक लाइट गिराया जा रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम का, इस पर एक लाइट गिराया जा रहा है 4000 सब पर, 4000 एंगस्ट्रॉम सब पे ये लाइट गिराया गया। क्वेश्चन पूछता है कि किस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं, मेटल वन, मेटल टू, मेटल थ्री, किससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लाइट इस पर गिराया गया है उसकी क्या निकालेंगे, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है फोटोन की, फोटोन की एनर्जी होती है hc अपॉन लैम्डा, या इसी को हम hν भी कहते हैं। तो फोटोन की एनर्जी hc, h का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6.62 × 10⁻¹⁴ × 3 × 10⁸ अपॉन वेवलेंथ की वैल्यू डाल देंगे, कितना है 4000 × 10⁻¹⁰ मीटर। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे दोस्तों, कैलकुलेशन आसान रखने के लिए एक तरीका हम लोग सीखते हैं, जब भी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में हो वी कैन राइट द एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। आंसर हमेशा किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, जूल में, जबकि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आंसर चाहिए। तो जो एनर्जी इंसिडेंट है वो कितना है दोस्तों, इसे डिवाइड कर देगा हम 4000 से, तो 12400 डिवाइडेड बाई हमने क्या किया यहाँ पर 4000, यहाँ से आएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिराया जा रहा है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ से एनर्जी गिराए, इससे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3.1 इस पर गिराया जाए इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, 3.1 इस पर गिराया जाए इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। इसका मतलब इन तीनों में से सिर्फ मेटल वन है जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। इन तीनों में सिर्फ यही है एक मेटल जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक और चैलेंज है आज के लिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत है बेसिकली। अभी मैं एक और एडवांस मतलब कह सकते हैं जेई मेन लेवल का क्वेश्चन कराने वाला था, तो अभी अगला वीडियो में कराते हैं, एक और वीडियो लगेगा इसे इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिर एक्सपेरिमेंटल क्या इफेक्ट्स हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, फोटो करंट कैसे वैरी करते हैं, और जेई लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिए जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी जेई मेन में आ सकते हैं और नीट लेवल में भी ऐसे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और हम सबको हमेशा क्या लगाना होता है, आइंस्टीन रिलेशन। तो आई थिंक सो दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।